उद्योगपति सारस मिस्त्री के एक सड़क हादसे में निधन के बाद सड़क सुरक्षा नियमों पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। मशहूर हस्तियों से लेकर सरकार तक अपने अपने स्तर पर लोगों को रोड सेफ्टी नियमों के प्रति आगाह कर रहे हैं। इस सिलसिले में अक्षय कुमार का एक विज्ञापन भी आया है, जिसमें वह कार में एयरबैग की महत्व बताते नजर आ रहे हैं। मगर सोशल मीडिया पर एक्टर के इस विज्ञापन को लेकर विरोध के सुर ऊंचे हो गए हैं। नेटिजन्स एक्टर पर दहेज प्रथा को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। सरकार ने लोगों के बीच 6 एयरबैग को लेकर जागरूकता लाने के लिए अक्षय कुमार के साथ एक टीवीसी एड जारी किया है। एक्टर का यह विज्ञापन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया ने जारी किया है। एड में अक्षय कुमार ट्रैफिक पुलिस वाले की भूमिका में है। इसमें दुल्हन की विदाई का दृश्य दिखाया गया है। पिता द्वारा गिफ्ट में मिली कार में बैठकर विदाई के वक्त दुल्हन रो रही है। बेटी को देख पिता भी भावुक हो रहे हैं। तभी अक्षय कुमार दुल्हन के पिता के पास जाकर कहते हैं, ऐसी गाड़ी में बेटी को विदा करोगे तो रोना तो आएगा ही। फिर वह पिता को बताते हैं कि इस गाड़ी में 6 एयरबैग नहीं है, ऐसे में बेटी रोएगी नहीं तो क्या हंसेगी। इसके बाद पिता उसे 6 एयरबैग वाली गाड़ी गिफ्ट करता है और बेटी हंसने लगती है। विज्ञापन में ग्राफिक की मदद से कार में 6 एयरबैग की अहमियत भी बताई गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस विज्ञापन को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा किया है। इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है, 6 एयरबैग वाली गाड़ी से सफर कर जिंदगी को सुरक्षित बनाएं। गडकरी के इस ट्वीट पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। एक तरफ लोग उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों के अलावा सड़कों की हालात पर भी गौर करने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स इस विज्ञापन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक्टर का ये विज्ञापन दहेज प्रथा को बढ़ावा देने वाला है। ट्विटर पर अक्षय कुमार के इस एड के कंटेंट पर सवाल उठ रहे जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, क्या आपको पता है कि आप दहेज को बढ़ावा दे रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, क्यों हम और हमारे नॉर्थ इंडिया में बेटियों के गरीब माँ बाप पर बोझ बढ़ा रहे हैं। 6 एयरबैग का एड बनाने के लिए कोई और तरीका भी हो सकता था। एक अन्य यूजर ने लिखा, आप इस विज्ञापन के जरिए उन तमाम पिताओं पर बोझ बढ़ा रहे हैं जिन्हें बेटियों की शादी करनी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।